अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCNIM और ENNG के कैडर 6 कैडर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर असम राइफल्स की खोनसा बटालियन की स्थानीय पुलिस की मदद से अभियान चलाया गया था और इस दौरान इन 6 कैडरों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया है। इनमें 6 पिस्टल और सक्रिय गोलियां शामिल है। इसके अलावा अफीम और नकदी भी जब्त की गई है। पूछताछ में इन कैडरों ने कबूल किया है कि हाल ही में उन्होंने धन मांग और अपहरण कांड को अंजाम दिया था।